Today we will discuss about repair of broken bones. बोन्स किस तरह से ब्रेक होती हैं और इनको भी रिपेयर किस तरह से किया जाता है। वैसे तो हमारे जो स्केल्टन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बोन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ वजूहात की वजह से हमारी बोन्स ब्रेक हो जाती हैं। तो इसके बहुत सारे कॉजेज और रीजन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों में ओल्ड एज की वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स वीक हो जाती हैं जिससे बोन्स ब्रेक हो जाती हैं। फिर कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं, यानी कोई अंडरलाइन डिजीज लाइक कैंसर और इवन सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी वजह से भी बोन्स ब्रेक हो सकती हैं। लेकिन यंग लोगों में मोस्टली जो बोन्स ब्रेक होती हैं, दीज आर ओनली ड्यू टू ट्रामा या कोई इस तरह से एक्सीडेंटल स्पोर्ट इंजरीज, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स या गिरने की वजह से उनकी बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, उनकी बोन्स में फ्रैक्चर हो जाते हैं। जब कोई ऐसी फोर्स बाहर से हमारी बोन पे पड़ती है जो कि स्ट्रॉन्गर होती है बोन से, तो बोन उसकी नतीजे में ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक जो बोन हो जाती है हमारी और फ्रैक्चर जब हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो है रिडक्शन, जिसे फॉलो किया जाता है रीअलाइनमेंट ऑफ ब्रोकन बोन एंड्स के साथ। रिडक्शन क्या होता है? ये एक टर्म यूज्ड होती है डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरह से बोन को फिक्स किया जाता है या सेट किया जाता है आफ्टर फ्रैक्चर, और किस तरह से बोन के जो पीसीज हैं उनको उनकी जगह पे दोबारा से सेट किया जाता है ताकि हीलिंग हो सके। तो रीअलाइनमेंट बेसिकली ये प्रोसेस है कि जिसमें बोन को वापस से उसकी पोजिशन के ऊपर पुट बैक कर दिया जाता है। तो रिडक्शन की टू टाइप्स होती हैं, क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन। तो सबसे पहले है यहाँ पे क्लोज्ड रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि ब्रोकन बोन्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें स्किन को कट करने की जरूरत नहीं पड़ती और ब्रोकन बोन्स को बिल्कुल उसी तरह से उनकी प्लेस पे पुट बैक कर दिया जाता है जिससे वो अलाउ हो सके ताकि ग्रो बैक कर सकें। और ये फिजिशियन कोई भी जो है अपने हाथ से ही बोन्स को क्या कर देता है, रीअलाइन कर देता है। जैसे आपको पिक्चर ए में नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, कि किस तरह से उसने ब्रोकन बोन्स को हाथों की मदद से ही उनकी प्लेस पे पुट बैक कर दिया है। यहाँ पे स्किन को कट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। सेकंड इसकी जो टाइप है वो है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन क्या होती है? इसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसमें बोन एंड्स सिक्योर बैक किए जाते हैं विद पिन्स और वायर्स। यहाँ पे स्किन को कट किया जाता है और वायर्स पिन्स की मदद से बोन को उसकी पोजीशन पे रीअलाइन किया जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर बी में नजर आ रहा है किस तरह से उसके अंदर रॉड डाला जा रहा है और पिन्स की मदद से उसको फिक्स किया जा रहा है। और हीलिंग टाइम मोस्टली 8 to 12 weeks होता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर तो वेट बियरिंग बोन्स हैं जैसे कि लेग वगैरह की, और अगर फॉर एग्जांपल एल्डरली पीपल हैं जिनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पुअर है तो उनमें भी हीलिंग प्रोसेस टाइम टेकिंग हो सकता है। ये ट्रैक्शन कास्ट एंड फिक्सेशन नर्सिंग केयर, इसमें क्या होता है, ये एक ओल्ड प्रोसीजर है जो मोस्टली यूज होता है आज भी। इसमें क्या किया जाता है कि बोन्स को इमोबिलाइज किया जाता है बाय कास्ट और बाय ट्रैक्शन ताकि हीलिंग प्रोसेस बिगिन हो सके। यानी या तो कोई वेट जो है पुट किया जाता है और या फिर ये इस तरह से प्लास्टर किया जाता है। अब है फ्रैक्चर रिपेयर। तो बोन एक ऐसा टिश्यू है जो खुद को रिपेयर कर लेता है विदाउट स्कारिंग, और बॉडी इस रिपेयर में इसको फैसिलिटेट करती है। और ये रिपेयर प्रोसेस इसकी 4 phases होती हैं। सबसे पहली फेज है हीमाटोमा फॉर्मेशन। जब बोन ब्रेक होती है तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं बोन को, तो वो भी ब्रेक हो जाती हैं और उसके नतीजे में हेमरेज हो जाता है।
हेमरेज में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो रप्चर हुई होती हैं उनसे ब्लड एस्केप होके टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे एक ब्लड का क्लॉट सा बन जाता है। और ब्लड क्लॉट जब बन जाता है और इस टिश्यू को, बोन के टिश्यू को ब्लड सप्लाई भी जब नहीं होती सही से, तो यहाँ पे क्या होता है, फूड की कमी हो जाती है, सेल्स को फूड नहीं मिलते और वो डाई होना शुरू हो जाते हैं और फ्रैक्चर साइट स्वॉलन सी हो जाती है, सूज जाती है और पेनफुल हो जाती है, जिससे पेन होता है हमें। सेकेंड स्टेप है कैलस फॉर्मेशन। फिर सबसे पहले क्या होता है कि सॉफ्ट कैलस बनना शुरू होता है और ये 3-2 वीक्स के अंदर बनना शुरू होता है। तो इसमें बेसिकली क्लॉटेड ब्लड जो है रिप्लेस किया जाता है फाइब्रस टिश्यू एंड कार्टिलेज से, जिसे हम सॉफ्ट कैलस बोलते हैं। तो यानी न्यू कनेक्टिव टिश्यू बनता है, ब्लड वेसल्स बनती हैं, कार्टिलेज बनती हैं और सॉफ्ट स्पंजी बोन बनती हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स इस फ्रैक्चर साइट पे आते हैं और बोन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन होती है। थर्ड स्टेप है बोनी कैलस फॉर्मेशन। पहले सॉफ्ट कैलस ने क्या किया था, रिप्लेस किया था क्लॉटेड ब्लड को। अब क्या होगा, हार्ड बोन इस सॉफ्ट कैलस को रिप्लेस कर देती है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इस फ्रैक्चर साइट पे कंटिन्यूसली माइग्रेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली और कन्वर्ट कर देते हैं सॉफ्ट कैलस को इंटू बोनी कैलस। बोन फॉर्मेशन 3 to 4 weeks आफ्टर इंजरी स्टार्ट होती है और कंटिन्यू रहती है जब तक कि बोन जो है उसके दोनों एंड्स जो ब्रोकन थे उनके बीच में फर्म यूनियन ना बन जाए, वो ये एक दूसरे से अच्छे तरीके से जुड़ ना जाए। और इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, मोस्टली 2 से 3 महीने लग जाते हैं। फोर्थ स्टेप है रीमॉडलिंग। तो ओवर द टाइम बोन्स जो हैं वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड बोन के टिश्यूज होते जाते हैं और जो वीक और डिसऑर्गेनाइज्ड बोनी टिश्यूज थे वो मुसलसल रिप्लेस होते जाते हैं। और ये रीमॉडलिंग का प्रोसेस जो है मुसलसल चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक बोन जो है फुली रिपेयर ना हो जाए। और बोन जो है वो किस तरह से रिपेयर होती है, किस तरह से हील होती है, विदाउट स्कार, किसी भी निशान पड़े बगैर, बिल्कुल उसी तरह से रिपेयर हो जाती है और अपनी फर्स्ट जैसे कंडीशन में थी बिल्कुल उसी तरह से आ जाती है। और जितने भी मैकेनिकल स्टिमुलाई रिसीव करती है बोन उसको रिस्पॉन्ड भी बिल्कुल उसी तरीके से करती है जैसे ब्रोकन होने से पहले करती थी। तो ये अपने सारे फंक्शन जो इसके रुके हुए थे बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म करती है जैसे पहले करती थी। और वक्त के साथ साथ डेपोजिशन होती जाती है मिनरल्स की और बोन्स स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और कई महीनों बाद, बहुत सारे महीने लग जाते हैं और कई महीनों बाद जो है बोन अपनी फिर से फॉर्मर कंडीशन में आ जाती है।